केस नेम चंद्रहास साहू, एज इज 25 ईयर्स एंड टुडे डेट इज 4 जून 2024 एंड कंप्लेन ऑफ हाई पिच्ड वॉइस इवन आफ्टर प्यूबर्टी। तो मुझे ट्रीटमेंट से पहले का वॉइस सैंपल चाहिए। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर? मेरा आवाज़ लड़की जैसा आता है, जैसे फ़ोन में बात करने से लड़की का जैसे आप मैडम हो सर ऐसा करके बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है। पोस्टर पे वीडियो ऑफ चंद्रहास एंड टुडे डेट इज 10 जून 2024। क्यों आए थे यहाँ पे और ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है? मुझे ट्रीटमेंट के बाद का वॉइस सैंपल चाहिए। जी सर, मेरा नाम चंद्रहास साहू है। मेरा आवाज़ पहले पतला था लड़कियों को जैसा, और यहाँ आने के बाद मैं थेरेपी लिया आपसे, उसके बाद मेरा अभी जो रियल वॉइस है वो आने लगा। तो जब लोगों को फ़ोन कर रहे हैं तो उनके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, एक एक करके बताइए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के रिएक्शंस। मैं अपने दोस्त के मम्मी से बात किया तो उसके मम्मी पहचान नहीं पाई, वो सोच रहा था अपना भतीजा है करके। उसके बाद वो खुश हो गई और मेरे को अच्छा है, बहुत अच्छा है करके, और दोस्त लोग को भी कॉल किया ना तो वो लोग भी अच्छा है, बहुत अच्छा है करके पहचान नहीं रहते। उसके बाद बताने के बाद तो चंद्रहास नहीं है क्या करके बोल रहे थे, तो मैं बताया कि मैं चंद्रहास ही हूँ। तो आपने प्रूफ कैसे दिया कि आप चंद्रहास हैं? यही है कि अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने के तरीके से उन लोग बाद में पहचानते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। वीडियो कॉल भी करना पड़ा किसी को? हाँ, वीडियो कॉल करना पड़ा किसी को। अच्छा, ठीक है। तो कोई मैसेज है जो देना चाहेंगे जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं? हाँ, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी प्यूबर्टी से अगर उसको प्रॉब्लम है तो तुरंत आके सॉल्व करना चाहिए। हमारे इस तक उनको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है, आपने देखे हैं कुछ कुछ पेशेंट को। एनीवे, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अवर सेंटर। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर इनकी वॉइस में पॉजिटिव चेंजेस दिखती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बात दूर तक पहुँचाइए। और क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया में यूज़ कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।